गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल जमाइका व्लॉग्स। तो गाइस लास्ट के व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हमने बेबी बताया, हमारा बेबी बॉय आया है। तो अब लोग हम जा रहे हैं बेटू के नानी हाउस पे, वहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो बने रहिए व्लॉग के अंदर और देखते हैं फटाफट से। इनका पता नहीं क्या क्या रह जाता है, अभी कह रहे रेडी हो गए, अब लास्ट मोमेंट पे नेल से रह जाते हैं, ये रह जाते हैं, वो जाते हैं। चाचा चाची भी आ चुके हैं वहाँ पे रेडी हो गए, पापा भी हो चुके हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी तक। तो चलते हैं फटाफट से, निकलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। गाइस देखो इतनी देर तक ये रोड पर खड़ी रखते हैं, हॉर्न मारते रहे, पब्लिक बाहर आ जाती है, इनके से तैयार नहीं होया जाता, समझ नहीं आती। आओ जल्दी, फटाफट जल्दी आओ। सो गाइस पापा भी बैठ चुके हैं, हमने
गाइस डांस वांस हो गया, बहुत एंजॉय कर लिया, पसीने पसीने हो गए दबा के। तो चलते हैं अंदर और अंदर वेलकम वेलकम। चलो बेटी गाइस चढ़ रहे हैं स्टेज में, ऊपर जा रहे हैं और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो गाइस माता रानी भी हमारे साथ जा रही हैं। आप तो बल्कि इधर ही आ जाओ, इस पार्टी में आओ, कभी छोटा नहीं होता, पापा भी छोटा हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, आओ कभी छोटा नहीं होता, आओ हमेशा बड़ा ही होता है। वही खा रहे हो दबा के आप, सही है, सबकी शुगर बढ़ाएगा जाएगा। सही में किसी की भरे ना भरे नानी भी तो बढ़ाई देगा वो। उसमें आंटी टॉवल आराम से खोलना उसमें ना, घास वास थोड़ी देर के लिए यार, मन नहीं लग रहा आपके विदा। आ जाओ आ जाओ, आप बोल रहे थे आ जाओ अब थोड़ी देर के लिए। कोई नहीं मैम, मैं यहाँ तो रोटी रखी होती है, यहाँ मेरा फोन रखा होता है, ऐसे करते 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 ये फोन तो चला जाता नीचे और जनाब लाएगी दूसरी रोटी लग गई, अब रोटी नहीं खा रही, अपना फोन भी संभाल लो। अरे यार मतलब कि एक ब्रांड की रख दी, नशा देते हैं सो जाते हैं, और कभी कभार मैं देखा पापा खड़े खड़े दीवार पे सर रख के भी सो जाते हैं। पापा को बोल दो ना कहीं लॉन्ग रूट पर चल रहे, उस दिन क्या खाटू भिवाड़ी तक गए थे, कह रहे खाटू चले, कह रहे चल ले, मैंने तो सुना ही है पीछे मेरा क्या दिक्कत है। हमें नींद नहीं आएगी, बस वैसे ठीक है टाइम कटा है, हमें तो अपने मिस्टर भाई आगे नींद आएगी, क्या करेगा, पर ना दुकान खोलनी है आपने, इतनी सारी जैम्स ले आए यार, किसने दिलाई, किसने दिलाई आपको, काकू मामू ने, बेटा सही बात है, काकू मामा अच्छा लग रहा है, पापा को भी खिला दो फिर, रिश्वत का जमाना है, थैंक यू। यहाँ पे जितने सब बैठे हैं ना सब बंद दे दो यार, शेयर नहीं करोगे यार, प्यार कर दो यार, क्यों ले रही दीदी, रख इसका, मैं तो ले आई थी, पनी के दुकान खोली है क्या आपने, जेम्स की दुकान, तो दादू को दो, मुझे भी तो दे दो यार, अपनी जेम्स मैं खाऊंगा, इसको मैं सबको बांटती दूंगा, मेरे लिए बचे अभी यार, मैंने ले लिया अभी। फाइनली गाइस यहाँ पे हो चुका है डिनर टाइम और ये ब्रदर हमारा सर्व कर रहा है, मैं वहाँ पे भी चल रहा है डिनर, सब बड़े वहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे यो नो सैलेड आ गया, सैलेड नहीं मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा।
गाइस यहाँ चल चुका है चैलेंज। मैदान ही छोड़ दिया। फाइनली गाइस बेबी की नानी हाउस से हम लोग घर आ चुके हैं और आज इस व्लॉग में आपने आज के व्लॉग में देखा होगा हम लोग बेटू के उसको भी बेटू कहूँगा गाइस दोनों बेटू हैं तो बेटू के नानी हाउस पे गए थे और गाइस बहुत अच्छा लगा मतलब हमने ना मतलब उनके घर के बाहर हमने ढोल वाला बुला रखा था और ढोल वाला गाइस आधे घंटे से रेड लाइट पर खड़ा था भैया आ रहे हो आ जाओ। आज की डेट गाइस शादी की इतनी हैवी थी फिर भी मैंने उसको मना लिया कि भैया चाहे आधे घंटे के लिए आ जाओ। मैंने 45 मिनट्स बोले थे कह रहा भैया इससे लेट मैंने भैया 50 मिनट्स होंगे नहीं तो 45 मिनट पर हमने उनको हाफ एन आवर में फ्री कर दिया। तो गाइस हमने मतलब बेटू के नानी हाउस के पहले जो मतलब RWA का गेट वगैरह होता है तो वहीं से ढोल बजवाते हैं मेरी गाड़ी आगे। मेरे को लगा था ये बोलने वाले थे उसको टाइम इतना दे रखा था फिर भी आज हम लेट थे मेरे को लगा इसलिए मैं ऐसे देख रही थी आपको फिर। अच्छा फिर ठीक है तो पता क्या हुआ तो हमने गेट से ढोल बजाते हुए एंट्री करी पूरी मतलब उनकी सोसाइटी वाले बाहर आ गए भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बट बेटू की नानी हाउस से तो ना उनको ऐसा लगा कि पीछे ना मॉर्निंग में आज किसी की शादी हुई है तो उनकी बारात वगैरह मतलब डोली वगैरह आई होगी तो इसलिए बैंड और ढोल वगैरह बज रहे हैं। बट फिर ऊपर गई मनीला ने उनको उठाया भाई हम आए हैं तो भाई नीचे आ गए सारे तुम्हारा वेलकम गाइस। हमने एंट्री मारी ढोल ढवाके धमाके के साथ नाचते नाचते उन्होंने भाई पूरी रेन मतलब वो फ्लावरिंग की रेन कर दी हमारे ऊपर और आराम से गाइस बहुत मज़ा मतलब इतना नाचे पसीने पसीने हो गए थे। तो गाइस अगर आप लोगों ने भी हमारे साथ इन्जॉय करा और ये मोमेंट्स को आप लोग भी हमारे साथ इन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करो आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है। प्रणिका के जैसे मेरे को बोलना आज। तो गाइस मनीला आज ब्लॉगिंग करने वाली है। नहीं आप प्रणिका को बोलते ना क्या करेंगे तो मुझे बोलना आज प्रणिका नहीं है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा गाइस तो इस व्लॉग को क्या करना है मनीला लाइक करना है शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय।